आपके सामने स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही होगी और मुझे लगता है कि आप लोग इन्हें जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि वही सिद्धू हैं जिन्होंने हाल ही में, आप देखेंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का विकेट ले लिया है, या आप कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को आउट कर दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी भले ही ये आईपीएल जीत चुके हों, लेकिन 2022 में इनके सामने वर्ल्ड कप खड़ा हुआ है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि इनकी अग्नि परीक्षा 2022 के जो पंजाब की विधानसभा चुनाव होंगे उसमें है, क्योंकि इन्हें अपने लोगों का ही सामना करना पड़ रहा है, और इन्हें हराने के लिए अब आप देखें कैप्टन अमरिंदर सिंह भी लग जाएंगे। अकाली दल है ही, बीजेपी है ही, आम आदमी पार्टी है ही, तो आप समझ रहे हैं कि इनकी अग्नि परीक्षा एक तरह से आप कह सकते हैं। और एक बात और आपको बता दूं, नेताओं की एक तरह से आप कह सकते हैं ये खासियत होती है कि वो हमेशा कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। या फिर आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा बचपन में, और अभी भी आप लोग अधिकतर खेलते भी होंगे, तो आपने देखा होगा कि क्रिकेट में हर कोई चाहता है कि वो पिच पर खड़ा रहे बल्ला लेकर। तो उसी तरह से आप नेताओं के बारे में कह सकते हैं कि हमेशा बल्ला वो अपने हाथ में चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सिद्धू पहले बीजेपी में थे, लेकिन 2014 के जो आम लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें इन्हें टिकट नहीं दिया गया था बीजेपी की तरफ से लोकसभा सदस्य के लिए। तो आगे चल के 2016 में आप देखते हैं कि ये पार्टी छोड़ देते हैं बीजेपी और एक कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं, और आप देखेंगे कांग्रेस में जब से आए हुए तब से बवाल मचा हुआ है। और आप देखेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह से 2017 से जब से मुख्यमंत्री बने हुए हैं कैप्टन, तभी से झगड़ा बन रहा चलाया है। और आप देखिए कि इतना तो विपक्ष ने बार नहीं किया कैप्टन पर जितना इनकी पार्टी के सिद्धू ने कैप्टन के कामों पर वार किया, और आखिरकार आप देखिए कि कैप्टन को इस्तीफा देना पड़ा। तो आज से आप लोग ने मशहूर क्रिकेटर भी कह सकते हैं, मशहूर शायर भी कह सकते हैं, और मशहूर आप कह सकते हैं कि एक तरह से राजनीतिक खिलाड़ी भी कह सकते हैं। और 2022 में या आने वाले समय में राजनीति के क्षेत्र में क्या होता है, कितने आगे तक जा पाते हैं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग आज तक की बात कर लेंगे इनके बारे में कि अभी तक इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, या फिर आप लोग देखिए फिल्मों यानी कि बॉलीवुड में भी कुछ समय के लिए काम करते रहे, कपिल शर्मा भी आप देखते रहते थे इन्हें, या फिर आप देखिए क्रिकेटर के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में भी इन्होंने काफी सफर किया हुआ है, और अभी तक राजनीति में किस तरह से जुड़े रहे, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। और एक बात, हाँ, इनसे काफी विवाद भी जुड़े हैं, ये हमेशा विवादों में भी अपने बयानों के कारण रहे हैं, और भी कुछ विवाद जुड़े हुए हैं उन पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। कुछ इनके अच्छे जो आप कह सकते हैं मोटिवेटिव जो स्टेटस होते हैं या शायरी होती हैं या विचार होते हैं उन पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार आप लोग पंजाब चलिए, देखिए ये हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा पंजाब ए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद रखना होगा कि पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है, हमारा पड़ोसी है ना पाकिस्तान, इसी की बात कर रहा हूँ। इससे अगर लगे हुए राज्यों की बात करें तो आप देखेंगे नीचे आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, यहाँ हरियाणा देखने को मिलेगा, और यहाँ हिमाचल प्रदेश, ऊपर आपको जम्मू कश्मीर, ठीक है। और पंजाब की राजधानी आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ है, और पंजाब राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और यहाँ आप देखेंगे कि तो आपको देखने को मिलेगा विधानसभा सीटें 117 देखने को मिलेगी, लोकसभा सीटें 13 देखने को मिलेगी, राज्यसभा सीटें 7 देखने को मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे सिद्धू, और इन्हें तो आप लोगों ने कई जगह भी देखा होगा वैसे भी। तो इनका पूरे अगर नाम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू इनका नाम है, और इनके उपनाम भी हैं,
एक इनका नाम है सिक्सर सिद्धू, क्रिकेट के कारण। शरीफा जी इनकी जो पत्नी है वो इन्हें प्यार से बुलाती है। इनकी लव स्टोरी भी आपको बता दूं बड़ी दिलचस्प है। और सिद्धू बाजी इनके तीन उपनाम हो गए। अगर हम लोग सिद्धू के जन्म की बात करें तो 20 अक्टूबर 1963 को इनका जन्म होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हम लोग देश हमारा आजाद हो चुका था उसके बाद जाकर इनका जन्म होता है। जन्म स्थान की बात करें तो पटियाला पंजाब में इनका जन्म होता है। और इनके पिता की बात करें तो सरदार भगवंत सिंह इनके पिता और माता निर्मल सिद्धू इनकी माता। जीवन साथी यानी कि हम बात करें अगर पत्नी की इनकी, तो नवजोत कौर सिद्धू इनकी पत्नी का नाम है। और आप सभी जानते हैं कि ये डॉक्टर पेशे से डॉक्टर हैं और राजनीति भी करती हैं। इनकी पत्नी भी राजनीति है, राजनीति से जुड़ी हुई है। इनके दो संतानों की अगर बच्चों की बात करें तो एक तो इनका पुत्र है एक पुत्री है। पुत्र का नाम है करण और पुत्र पुत्री का नाम है रबिया, ठीक है। और शिक्षा की बात करें तो याद इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो शुरुआती शिक्षा इनकी यादवंत पब्लिक स्कूल पटियाला से होती है। और इनके आगे की शिक्षा आप देखेंगे मोहिंद कॉलेज चंडीगढ़ से स्नातक करते हैं, और मुंबई के एच आर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से भी इन्होंने पढ़ाई की हुई है। तो आप कह सकते हैं कि पढ़े लिखे भी हैं काफी, ठीक है। अब बात आती है व्यवसाय की, यानी कि क्या काम करते थे। तो सभी जानते हैं कि वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं, पहले क्रिकेटर भी रह चुके हैं, कमेंटेटर भी रह चुके हैं, कॉमेडियन भी कर चुके हैं रह चुके हैं और शायर भी रह चुके हैं, और आप कह सकते हैं कि अभी भी शायर हैं। और पसंदीदा अगर क्रिकेटर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर इनके फेवरेट क्रिकेटर हैं। अब बात आती है कौन सी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपको बता दूं ये 2004 से लेकर 2016 तक भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से जुड़े रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2017 से अभी तक वर्तमान तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अभी तक मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं नेताओं का मालूम ही नहीं चलता है कब खुद किस पार्टी में शामिल हो जाए, किस पार्टी को छोड़ दें। आप देखिए कि हर कोई एक तरह से मलाई खाना चाहता है नेताओं की। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आप सभी को देख लीजिएगा, लालू यादव देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव देख लीजिए, नीतीश कुमार देख लीजिए, दिग्विजय सिंह देख लीजिए, ये अभी के नहीं है। आप देखिए इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के समय से आप कह सकते हैं कि राजनीति की फील्ड में जमे हुए हैं और अभी भी जमे हुए हैं। दिग्विजय सिंह को देख लीजिए, हम लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले उनकी बायोग्राफी कवर की हुई है, उनके बारे में सब कुछ जाना भी है। आप देखिए कि इंदिरा गांधी के साथ भी वो काम कर चुके, राजीव गांधी के साथ भी काम कर चुके, आप देखिए सोनिया गांधी के साथ भी काम कर रहे हैं और राहुल गांधी के साथ भी काम कर रहे हैं। और आप सोचिए अगर राहुल गांधी की शादी हो जाती तो राहुल गांधी के बच्चों के साथ भी वो काम करते रहते। तो ये है नेताओं की हकीकत। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं सिद्धू की क्रिकेटर क्रिकेट का सफर किस तरह से रहा है। तो नवजोत सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी की क्रिकेट की टीम में अपने मूल राज्य यानी कि पंजाब की तरह से खेलकर की। तो आप कह सकते हैं कि 18 साल की उम्र में एक क्रिकेट में एंट्री ले चुके थे। और उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 1983 में की थी, और 12 नवंबर 1983 में अहमदाबाद में हुए टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 19 रन बनाए थे। कितने? 19 रन बनाए थे। ये 1983 की बात है। उसके बाद आप देखेंगे 1990 में मैच खेला और कोई भी विकेट नहीं लेने के कारण निकाल दिए गए थे। और उसके बाद फिर अगले मैच में उन्होंने कोई रन नहीं बनाया, और 1987 के भारत विश्व कप में विकेट में उन्होंने क्रिकेट में उन्होंने 73 यानी कि 73 रन बनाए। और इस बार उन्होंने कुल 5 मैचों में से 4 में अर्धशतक जड़ा था, लेकिन भारत इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में हार गया था। भारत इंग्लैंड के खिलाफ दोनों एक तरह से आप कह सकते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच था इसमें, लेकिन भारत की हार हो जाती है। लेकिन आप कह सकते हैं कि सिद्धू का काफी अच्छा सफल रहते हैं इस बार, योगदान काफी अच्छा रहता है। उन्होंने अपना वनडे शतक पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में लगाया था जो 1989 में हुआ था, शतक की बात कर रहा हूँ 100 रन की। फिर आप देखेंगे इंग्लैंड के खिलाफ ग्वालियर में हुआ था ये 1999 में मैच,
ग्वालियर आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का एक शहर भी है। और आप जानते होंगे कि ज्योतिराज सिंधिया यहीं से संबंध रखते हैं, सिंधिया घराना ग्वालियर से ही संबंध रखता है। और आप लोग एक कारण से और जानते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी है आपकी ग्वालियर में, ठीक है। तो इस मैच में आप देखेंगे उन्होंने 134 रन बनाए 1999 की मैच में जो इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था। और इस वक्त तो को उनके उनके 16 साल के करियर का सबसे अच्छा वक्त कहा गया था, उसी वक्त उन्होंने सेवानिवृत्त होने का फैसला कर लिया। यानी कि कहते हैं ना कि वो अच्छी पारी आपकी चल रही हो, अच्छा समय चल रहा हो, उसी समय आपको संन्यास ले लेना चाहिए। वरना आप सोचिए कि आपका बुरा वक्त चल रहा है तब आप लोग संन्यास लेते हैं, किसी भी काम की बात कर रहा हूँ, तो आपका उतना नाम नहीं रह जाता है। लोग सोचते हैं कि इसका तो बुरा वक्त चल रहा था, इसने कौन सा बड़ा काम कर दिया। लेकिन आप देखिए सिक्स लगाते जा रहे हैं, चौका देते जा रहे हैं, उसी समय अगर आप लोग संन्यास लेते हैं तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ जरूर दिखाई देता है। तो इस समय वो छोड़ देते हैं, 1999 की बात है। 1997 में भी एक मैच हुआ था, वेस्ट इंडीज दौरे के समय उन्होंने दोहरा शतक मारा था, यानी कि 200 रन से पार। सिद्धू और मोहम्मद अजहरुद्दीन के बीच 1996 में इंग्लैंड दौरे के समय मतभेद भी हो गया था, और इस विवाद के कारण भी काफी चर्चा में रहे, जिस वजह से वो टीम से बाहर हो गए थे। फिर उन्होंने टीम में वापसी की और दूसरे टेस्ट मैच जो कि क्वीन पार्क ओवल में हुआ था उसमें उन्होंने दो शतक बनाए थे। फिर एक मैच में उन्होंने 201 रन बनाया था और उनका सबसे उच्चतम स्कोर यही था। और श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 124 रन बनाए थे, जिन जिनमें उनके 8 छक्के भी शामिल थे। फिर ऑस्ट्रेलिया में 5 पारी में उन्होंने 415 रन बनाए थे। तो ये है आपका, देख सकते हैं सिद्धू का क्रिकेट के क्षेत्र में सफर इस तरह से रहता है, आप कह सकते हैं काफी ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे अगर इन्होंने कमेंटेटर के रूम में भी काम किया हुआ है, अगर इसके रूम में हम लोग इनका सफर देखें तो सिद्धू ने एक कमेंटेटर के रूम में अपने करियर की शुरुआत सन 2001 से करते हैं और भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे से किया था इन्होंने। एक कमेंटेटर के रूप में उन्होंने उनके एक लाइन की टिप्पणी के लिए सिद्धू जी में कहा जाता था, और कमेंटेटर के रूप में उन्होंने ESPN स्टार स्पोर्ट्स पर काम भी किया। और आप देखेंगे एक अपवादित टिप्पणी की वजह से ESPN ने उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था। और उसके बाद उन्होंने 10 स्पोर्ट्स के लिए भी काम किया और विभिन्न भारतीय चैनल पर एक क्रिकेट विश्लेषक के रूप में भी अपनी बातों को रखते हुए दिखाई देते हैं। अभी भी आप देखते रहते होंगे उनसे ज्ञान की बातें अभी भी सुनते रहते हैं। 2012 में आप देखेंगे ESPN स्टार स्पोर्ट्स के लिए भी फिर से काम करना शुरू कर दिए थे। अब अगर टेलीविजन में करियर की बात करें, क्योंकि आप देखे होंगे टेलीविजन में भी काफी सक्रिय रहे हैं कुछ समय के लिए, तो भारतीय टेलीविजन के कार्यक्रम में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में उन्होंने शेखर सुमन के साथ जज की भूमिका भी निभाई हुई थी, और वह आप देखेंगे कलर्स पर आने वाले शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा शो में भी जज की भूमिका में दिख चुके हैं, काफी समय तक यहाँ रहे हैं। और इस शो को कपिल शर्मा होस्ट करते थे, फिलहाल भी कपिल शर्मा के ही शो द कपिल शर्मा शो में जज की भूमिका में भी रहे हैं। इसके अलावा वो एक अन्य कार्यक्रम फनबाजी चक दे में भी देख चुके हैं। उन्होंने एक टीवी सीरीज करीना करीना में भी काम किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कलर्स के एक रियलिटी शो में बिग बॉक्स 6 में भी प्रतियोगी के रूप में दिख चुके हैं। बाद में वो इस शो को बीच में छोड़कर जिसका कारण उन्होंने राजनीतिक बताया था। और आपने देखा होगा कपिल शर्मा से भी इन्हें शायद दोबारा बुलाया भी नहीं गया है, राजनीति के कारण ही कुछ बयानबाजी इनकी इस तरह की रहती है। और आप देखेंगे इनके इन्होंने एक टिप्पणी भी की हुई थी, उस पर भी काफी ये विवाद में रहे हुए हैं। तो इनका आप देख सकते हैं कि टेलीविजन में ये भूमिका रही है, या कह सकते हैं आप सफर रहा है। अगर हम लोग फिल्मों में की बात करें तो टेलीविजन के साथ उन्होंने फिल्मों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और वो सलमान खान की फिल्म मुझसे शादी करोगी में दिख चुके हैं। ये सलमान खान की मूवी है, आप सभी ने देखी भी होगी। और इसके अलावा आप देखेंगे पंजाबी फिल्म में अभी नवी कर चुके हैं, इस फिल्म का नाम था मेरा पिंड,
और इसमें इनके साथ पंजाबी गायक हरभजन मान और राणा रणवीर और गुरप्रीत गुग्गी को भी एक खास कलाकार उन्होंने भी अभिनय किया हुआ है इसमें, ठीक है। और इस फिल्म में आप उन्होंने एक NRI नरवोज सिंह लंबा के पात्र को निभाया था। और इस फिल्म को आप देखेंगे 20 सितंबर 2008 को रिलीज किया गया था। और सिद्धू ने फिल्म ABCD2 में भी एक कैमियो के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो आप देखेंगे हर क्षेत्र में अपना उपस्थिति एक तरह से दर्ज करा चुके हैं। अब बात आती है राजनीतिक करियर की, और जो सबसे जरूरी है, और हम लोग अगर इनके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसी कारण से देख रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि 2004 में बीजेपी की टिकट पर अमृतसर से लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। और आपको बता दूं कि जो लोकसभा सदस्य होता है, ये डायरेक्ट आपकी जनता के द्वारा चुना जाता है, डायरेक्ट इसे जनता चुनती है। अगर आप भी 18 साल के हो चुके हैं तो आप भी लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव करने जाते होंगे, अपने क्षेत्र के लोकसभा सदस्य को चुनते होंगे। लेकिन क्या होता है कि 2006 में सिद्धू ने हत्या के आरोप का सामना करने के बाद लोकसभा से अपना इस्तीफा दे देते हैं, इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। फिर आप देखेंगे 2009 के लोकसभा चुनाव होते हैं, और इस आम चुनाव में लोकसभा लड़ा इन्होंने चुनाव, और अमृतसर की सीट से दोबारा वो लोकसभा सदस्य बनते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि फिर होता है 2014 में, और 2014 का भारतीय आम चुनाव हुआ, और जो उसमें बीजेपी की तरफ से उन्हें अमृतसर के लिए टिकट नहीं मिला। तो 2014 की लोकसभा चुनाव यानी कि आम लोकसभा चुनाव में इन्हें टिकट नहीं मिलता है, और एक किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ते हैं। और आप देखेंगे यहीं से सिद्धू की खटास चालू हो जाती है बीजेपी से। और आप देखेंगे 28 अप्रैल 2016 को इन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना जाता है। और राज्यसभा सदस्य की बात करें तो आप देखेंगे इन्हें आपके जो विधानसभा सदस्य होते हैं ना, जिन्हें आप लोग विधायक कहते हैं या MLA कहते हैं, इन्हीं के द्वारा राज्यसभा सदस्य का चुनाव होता है। और फिर आप देखेंगे 18 जुलाई 2016 को ये राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं, और एपी बीजेपी की तरफ से आप कह सकते हैं बीजेपी की राज्यसभा सदस्य थे। और आगे आप देखेंगे प्रगट सिंह और बैंस के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाते हैं, और जिसका नाम आवाज ए पंजाब रखा गया था। लेकिन आप देखेंगे नई पार्टी बनाना और उसे सफलता दिला पाना और बहुत जल्दी राजनीति में जुड़ पाना बड़ी बात होती है। फिर क्या करते हैं कि जनवरी 2017 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, और ये आप सभी जानते हैं कि 1885 में बनाई गई थी कांग्रेस। लेकिन हाँ, ये भी याद रखिए, ये वो कांग्रेस नहीं है आज की कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा, ठीक है, तो ये भी याद रखिए। फिर आप देखते हैं कि 2017 में आपके पंजाब में विधानसभा चुनाव होते हैं, और इस चुनाव में अमृतसर पूर्व से ये चुनाव लड़ते हैं और विधायक बनते हैं, और वे पंजाब राज्य के पर्यटन, सांस्कृतिक मामलों और संग्रहालय मंत्री के रूप में काम भी कर चुके हैं। फिर आप देखेंगे 18 जुलाई 2021 को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं। और आप देखेंगे जिस दिन से अध्यक्ष बने हुए हैं, एक तो सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि कैप्टन साहब चाहते थे कि सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ना बने, लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी इन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे सिद्धू यही नहीं मानते हैं, सिद्धू आप देखेंगे आगे बढ़ के बढ़ के और कैप्टन को आउट कर ही देते हैं। तो यहाँ उन्हें मुझे लगता है खुशी भी मिली होगी, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि इनके सामने अब और ज्यादा चुनौती खड़ी हुई है सिद्धू के सामने। और कैप्टन, आप सभी जानते हैं कि कैप्टन एक सफल नेता रहे हैं, राजनेता, और आप देखिए कि एक शाही परिवार से भी रहे हैं, और जनता में आप देख सकते हैं इनकी पकड़ भी काफी अच्छी रही है। तो अब क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो आने वाले 2022 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इनके से जुड़े विवादों की बात करें तो आप देखेंगे 1991 में सिद्धू उस समय विवादों में आ गए जब उन पर उनके एक सहयोगी जिसका नाम भूपेंद्र सिंह संधू के साथ मिलकर गुरुनाम सिंह पर हमला करके उन्हें जान से मार देने का आरोप लगा था। और इस घटना के लिए पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पटियाला की जेल में कई दिनों तक रखा था। और हालांकि सिद्धू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया था, और इसके साथ ही उन्होंने अदालत में दावा किया था कि वो निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठ बोलकर फंसाया जा रहा है। लेकिन सिद्धू के इस दावे का खंडन करते हुए जसविंदर सिंह ने, जो कि पीड़ित के चाचा थे, उन्होंने दावा किया था कि सिद्धू के इस अपराध के साक्षियों और वो उच्चतम न्यायालय में अपनी गवाही को देने के लिए तैयार हैं।
तो इस विवाद के कारण भी आप देखेंगे काफी चर्चा में रहे। एक आप देखेंगे दिसंबर 2006 का विवाद भी था, सिद्धू एक बार फिर विवादों में तब आए, पर रोड रेज के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और इस केस में उन्हें दोषी पाते हुए 3 साल की सजा भी सुनाई गई थी और इस वजह से उन्हें अपनी संसद की सदस्यता भी त्यागनी पड़ी थी, इस्तीफा देना पड़ा था, लोकसभा सदस्य थे। फिर आप देखेंगे उन्हें जनवरी 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने से अपील की थी और जिस वजह से कोर्ट ने उनकी अपील को मानते हुए फरवरी 2007 में अमृतसर से उनको लोकसभा सीट लड़ने की अनुमति भी दे दी थी। और इसी के चलते आप देखेंगे 2009 में जो आम चुनाव हुए थे, एक तरह से लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें इन्हें यहाँ से टिकट भी दिया गया था अमृतसर से और उसमें इन्होंने जीत भी हासिल की हुई थी। और फिर आप देखेंगे एक विवाद और काफी रहा चर्चा में, अखिल भारतीय सिख स्टूडेंट फेडरेशन ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने अकाल तख्त के लिए गुरबानी के शब्दों को बदल कर और घुमा कर बोला है, तो इस कारण भी आप देखेंगे चर्चा में रहे। और सबसे ज्यादा हास्य रूप में उस वक्त चर्चित हुए जब एक निजी संगठन ने उन पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और ये इनाम उनके संसदीय क्षेत्र से गायब रहने की वजह से घोषित हुआ था। एक तरह से आप भी देखते रहते होंगे कि आपके क्षेत्र का अगर सांसद हो, विधायक हो, अगर वो उपस्थित नहीं रहता है, वो गायब रहता है, तो आप लोग पोस्टर लगा देते हैं या फिर आप लोग इनाम रख देते हैं कि अगर हमारा विधायक या हमारा सांसद कहीं दिखाई दे तो हम उसे ढूंढने वाले को 2 लाख रुपए देंगे। तो उसी इसी तरह का विवाद ये भी था। एक विवाद और भी रहा है, टीवी पर कपिल शर्मा की कॉमेडी शो में एक अश्लील चुटकुला सुनाकर सिद्धू में मुसीबत मोल ले ली थी और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक वकील ने सिद्धू के खिलाफ अदालत में शिकायत भी दाखिल की थी, तो यहाँ से भी काफी रहे हैं। और इमरान खान के शपथ ग्रहण में पाकिस्तानी फौज के मुखिया को गले लगाने से शुरू हुआ विवाद अभी तक सिद्धू के साथ चल रहा है। और अभी आपने देखा है कैप्टन ने जब इस्तीफा दिया उसके बाद उन्होंने सिद्धू पर हमला बोला और उन्होंने इस तरह की बातें भी की हुई हैं कि जो पाकिस्तान फौज के मुखिया हैं इनके साथ सिद्धू के अच्छे रिश्ते हैं, जो पंजाब में आप देखिए पंजाब या भारत की अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के मामले भी काफी जुड़े रहे हैं। आपको बता दूं कि इमरान खान एक क्रिकेटर रहे हैं, तो ये जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो शपथ समारोह में सिद्धू जाते हैं, तो उसी समय की बात हो रही है। सिद्धू के कुछ विचार भी चर्चित रहे हैं, इन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि अगर आपके फेवरेट हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को उनके विचार अच्छे भी लगते होंगे। जब भी आप बॉल को फेंकते हैं तो आप उसे एक जुए में पासे की तरह फेंकते हैं और आपको यह पता नहीं होता है कि यह कैसा होगा और आप ये हमेशा सोच भी नहीं सकते कि 6 ही आएगा। उस व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए जो खुद नग्न अवस्था में हो और आपको अपनी कमीज उतार कर के दे रहा हो, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। ये भी सिद्धू का ही एक तरह से विचार है। कोई भी व्यक्ति जब सड़क पर यात्रा करता है तो उसको अपनी जिंदगी में 1 या 2 पंचर का सामना करना ही पड़ता है। जब तक आप इस तरह की मुश्किल का सामना नहीं करते आपकी यात्रा सफलता के साथ पूरी हो ही नहीं सकती है। और आप देखेंगे अगर अच्छी एक तरह से रास्ता आप लोग चुने हुए हो और आपकी जिंदगी में अगर मुसीबत नहीं आती है, असफलता नहीं आती है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि बड़े काम करते वक्त आपको कुछ ना कुछ निराशा पहले हाथ लगेगी ही और मुश्किल होगी ही। अगर आप किसी भी काम के लिए जोखिम को उठाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में सफलता पाने के लिए हमेशा नए विचारों साहसिक कदम उठाने ही पड़ते हैं, इसके बिना सफल होना मुश्किल है। ये भी सिद्धू का ही विचार है। जिंदगी से मिले अनुभव एक कंघी की तरह है, जब सिर के सारे बाल निकल जाते हैं अर्थात आप गंजे हो जाते हैं तब आपको जीवन के हर एक अनुभव को जीने का एहसास होता है और ये एहसास आपको जीवन देता है। जैसे सब कुछ आपकी सोच के अनुसार हो तो आपको अच्छा लगता है और आप शांत रहते हैं, लेकिन मन के विपरीत कुछ हो तो हम तुरंत क्रोध में आ जाते हैं। ठीक वैसे ही समुद्र का पानी शांत हो तो कोई भी पायलट बन सकता है, यानी कि यहाँ पायलट की जगह आप लोग नाविक भी कह सकते हैं।
नाव चलाने वाला। उसी तरह कठिन परिस्थितियों में ही इंसान की परीक्षा होती है, जैसे कि इनकी 2022 में है। हम सबको भगवान ने ही एक बनाया है, हम सब एक, उन्होंने सिर्फ हमारी त्वचा को ही अलग बनाया है। ये भी सिद्धू गाई है। जब भी आप किसी राक्षस प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ भोजन करने बैठते हैं, तब आपको अपने बचाव के लिए चम्मच लंबा लेना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जिंदगी में भी बुरे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बड़ी ज्ञान की बातें देते हैं। मैंने विभिन्न तरह की महिलाओं को कई तरह की शैलियों में प्रदर्शन करते देखा है। महिलाओं में वो क्षमता होती है कि वो किसी भी शैली में अपने आप को ढाल लेती है। भारतीय हर जगह और हर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अगर आप उन्हें ढूंढना शुरू करें तो आपको एक पिन की तरह अंतर देखेगा। और ये तो आप भी जानते हैं कि दुनिया भर में भारतीय फैले हुए हैं, और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी भारतीय बन रहे होंगे, क्योंकि हर देश में आपको भारतीय जरूर देखने को मिल जाएंगे और अच्छी खासी संख्या में देखने को मिल जाएंगे। दस्ताने के साथ बॉल को ऐसे पकड़ो जैसे कोई बिल्ली झपट कर चूहों को पकड़ती है। विकेट उन पत्नियों की तरह होती है जिसका आपको पता नहीं कि वो कब और किस तरह तरफ मुड़ेंगी। वो अचानक से किसी भी तरफ मुड़ सकती हैं। उसकी धीमी गति की बॉल इतनी धीमी है कि इससे तो ज्यादा तेज मेरा मामा दौड़ लेता है। उसका बॉल इस तरह से घूम जाता है या फिसलता है जैसे कि कोई केले के छिलके के ऊपर फिसलता है। सबसे ज्यादा रोमांचित मन उस वक्त हो जाता है जब कोई मोटी महिला अपने से ज्यादा मोटी महिला को घूर कर देखती है। तो चलिए, ये कहानी है आपकी सिद्धू की, नवजोत सिंह सिद्धू की, और इनकी लव मैरिज है। आपको बता दूं, इनकी जो बीवी या पत्नी है वो चिकित्सा यानी कि हेल्थ के फील्ड से जुड़ी हुई डॉक्टर हैं, आप सभी जानते हैं। चलिए, और किसी के बारे में बात करनी हो तो बताइएगा, उसके बारे में भी बात करते रहेंगे। जो भी चर्चा में आता है उसे हम लोग देखते तो रहेंगे, ठीक है? फिर किसी भी राज्य का हो, किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो।